गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को टेक्नोक्रेट टेक्नोमेडिक क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोग के बीच वैनिशिंग पॉइंट मेथड से किसी रेक्टेंगुलर ब्लॉक का पर्सपेक्टिव व्यू कैसे बनाते हैं वो बताने जा रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन ऑफ व्यू से, एग्जाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे कैसे इसको बनाया जाता है। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लो और बेल आइकन अवश्य दबा दो, क्योंकि मेरे थ्रू फिजिक्स, मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का वीडियो अपलोड होते रहता है। समय का तगाजा होता है, कभी कभी डिले हो जाता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हमेशा कुछ इंटरवल पर आपको वीडियो देता रहूँ जिससे आपको फ़ायदा हो। रही बात हमारे टेक्नोक्रेट क्लासेस का, तो टेक्नोक्रेट क्लासेस अभी कोरोना काल में पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, जो सभी सब्जेक्ट का हो रहा है। बहुत ही कम कीमत पर मेरे, आप वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ से मोबाइल नंबर लो और कॉल करके कंसल्ट करो। technomedi.in technomedi.in मेरा वेबसाइट है, technomedi.in। आप इस पे जाओगे तो मेरे इंस्टीट्यूट का सब कुछ आपको वहाँ दिखाई देगा, मोबाइल नंबर सब कुछ है। आप इंटरेस्टेड रहो ऑनलाइन में तो आकर आप उस मोबाइल नंबर से बात करो, कांटेक्ट करो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत ही मिनिमम फी में पढ़ाया जा रहा है और अच्छे अच्छे टीचर है, आप तो जानते ही हो। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन में मैं वैनिशिंग पॉइंट मेथड से, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसका पर्सपेक्टिव व्यू ड्रा करने जा रहा हूँ। कहता है ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक 3 सेंटीमीटर × 2 सेंटीमीटर × 1.5 सेंटीमीटर, यानी लेंथ, ब्रिथ एंड हाइट आर गिवेन, और वो रेस्ट कर रहा है ग्राउंड प्लेन पे। यहाँ पे ग्राउंड प्लेन को हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन को ग्राउंड प्लेन बोलते हैं और वर्टिकल प्लेन को हम लोग पिक्चर प्लेन बोलते हैं। वो वर्टिकल प्लेन क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, यानी ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो प्लेन होता है दैट इज कॉल्ड पिक्चर प्लेन। ऑब्जर्वर, आप ऑब्जर्वर, इधर ऑब्जर्वर हो, बीच में कोई प्लेन है और इधर ऑब्जेक्ट है, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पिक्चर प्लेन। और पिक्चर प्लेन जो होता है हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो उधर वाली साइड वाली जो व्यू है आप नहीं देख सकते, उधर जो भी ऑब्जेक्ट है आप नहीं देख सकते हो, तो इसलिए पिक्चर प्लेन हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है। और कहता है कि वो रेस्ट कर रहा है ग्राउंड प्लेन में और उसका वर्टिकल एज इन द पिक्चर प्लेन मेक एंगल 30 डिग्री विथ द पिक्चर प्लेन। उसका एक एज जो वर्टिकल प्लेन के साथ क्या बना रहा है, आपको 30 डिग्री बना रहा है। स्टेशन पॉइंट जो है 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द पिक्चर प्लेन, यानी पिक्चर प्लेन के इन फ्रंट और 3 सेंटीमीटर एबव द ग्राउंड प्लेन यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर। ए सेंट्रल प्लेन पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ ब्लॉक, जो ब्लॉक का सेंटर है वहाँ से सेंटर प्लेन पास कर रहा है। सेंटर प्लेन क्या होता है, एक प्लेन है जो आपके आई से जो जाता है और पिक्चर प्लेन पर जो परपेंडिकुलर होता है, जो प्लेन आपके आई से सामने, ये क्या है, जस्ट लाइक ए प्लेन, और ये प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर टू द पिक्चर प्लेन, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल प्लेन। इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्लेन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल प्लेन। तो यही क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब हम लोग इसको ड्रा करेंगे। ड्रा करने के पहले 2-3 स्टेप जो है आपको हमेशा याद रखना होगा। ड्रा करने के पहले 2-3 स्टेप आपको हमेशा
याद रखना होगा कि ड्रा किसके किसके बीच में होता है। तो पर्सपेक्टिव व्यू हमेशा पिक्चर प्लेन लाइन और ग्राउंड लाइन के बीच में होता है, उसी को हम ड्रा करते हैं, उसी में ड्रा करते हैं। तो पिक्चर प्लेन लाइन मान लेते हैं, दिस इज द पिक्चर प्लेन लाइन, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पिक्चर प्लेन लाइन। लिख दो आप पिक्चर प्लेन लाइन, क्लियर। और नीचे लेते हैं एक ग्राउंड लाइन, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन को एक ग्राउंड लाइन मान लेते हैं। ये दोनों का डिस्टेंस, पिक्चर प्लेन लाइन और ग्राउंड लाइन का डिस्टेंस हमेशा आप पे निर्भर करेगा कि कितना डिस्टेंस हम लें। तो ये डिस्टेंस लेने का एक तरीका है कि इन फ्रंट ऑफ पिक्चर प्लेन और एवव द ग्राउंड लाइन का जो डायमेंशन होता है दोनों को जोड़ लो, और उससे 5 सेंटीमीटर, जो सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में ले लो, यानी उससे हमेशा ज़्यादा लो। तो यहाँ पर क्या है, 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी है और 3 सेंटीमीटर एवव द ग्राउंड लाइन है, यानी दोनों का डायमेंशन अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, 8 सेंटीमीटर। तो आप यू टेक द 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस आप ले सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं है। ये दोनों का डिस्टेंस जो है आप पे निर्भर करता है अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। अब क्या कहता है कि सबसे पहले हम स्टेशन पॉइंट का टॉप व्यू और फ्रंट व्यू के बीच में हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी दोनों को जहाँ जहाँ कट करेगा वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेंगे, यानी 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी। ये हमारा, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि पर्सपेक्टिव व्यू हमेशा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनता है, हमेशा किस में बनता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। टॉप व्यू जो बनेगा हमेशा पिक्चर प्लेन लाइन के ऊपर और नीचे, टॉप व्यू हमेशा बनेगा पिक्चर प्लेन लाइन के ऊपर और नीचे, और फ्रंट व्यू हमेशा ग्राउंड लाइन के ऊपर बनेगा। फ्रंट व्यू हमेशा ग्राउंड लाइन के क्या बनेगा, ऊपर बनेगा। एकदम से दिमाग में बैठा लो, टॉप व्यू हमेशा पिक्चर प्लेन के ऊपर या नीचे, और फ्रंट व्यू हमेशा ग्राउंड लाइन के ऊपर बनेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी, 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी हम एक लेंथ ले लेते हैं, और यहाँ पर से क्या करते हैं, इसका हम एक हॉरिजन लाइन ड्रा कर लेते हैं। क्या करते हैं, हॉरिजन लाइन ड्रा कर लेते हैं, यानी इससे जाते हुए एक हॉरिजन लाइन ड्रा कर लेते हैं, और यहीं पर सामने से हम लोग क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे और एक हम इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको लिख देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन लिख देंगे। ये 3 सेंटीमीटर ये हमारा कहता, इस लाइन पर, इस रेफरेंस लाइन पर जो बनेगा स्टेशन पॉइंट का टॉप व्यू बनेगा, और इस पे बनेगा फ्रंट व्यू, किसका, स्टेशन पॉइंट का। इस पे टॉप व्यू बनेगा और इसका, इस पे क्या बनेगा, आपका फ्रंट व्यू बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब टॉप व्यू बना लेंगे। तो टॉप व्यू रेक्टेंगल ब्लॉक का आप थोड़ा सा ध्यान दो, एक रेक्टेंगल ब्लॉक बना लो, तब आपको क्लियर रूप से दिखने में मज़ा आएगा। यही हमारा एक रेक्टेंगल ब्लॉक है, इसको आप सीधे इस तरह से कर लो, बना लो रेक्टेंगल, बना लिया। अब नामकरण कर दो, नामकरण करेंगे तो ये हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब इसका ऊपर से टॉप व्यू देखोगे, टॉप व्यू तो ए और एफ कौन साइड करेगा, बी और ई कौन साइड करेगा, सी और एच कौन साइड करेगा, और बी और जी कौन साइड करेगा। तो टॉप व्यू तो सबसे पहले जो लेंथ दिया हुआ कितना डिग्री से दिया हुआ है, 35 डिग्री, लार्जेस्ट फेस 35 डिग्री से आपको इंक्लाइंड जो लेंथ है कितना, 3 सेंटीमीटर लेना है। ये कितना है, 3 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन 2 सेंटीमीटर
2 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर लाइन ले लो, ये कितना है 2 सेंटीमीटर, इस पे ये क्या होगा, इस पॉइंट पे ये 90 डिग्री होगा रेक्टेंगल। अब यहां से इस लाइन के पैरेलल आप पैरेलल इतना ही लेंथ 3 सेंटीमीटर आप ले लो, 3 सेंटीमीटर ये आपका 3 सेंटीमीटर हो गया। अब नामकरण देख, देखिए ए और एफ ऊपर से देखिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए और एफ होगा, और हमारा डी और ई, डी और ई हमारा ई हो जाएगा डी और ई। अब देखिए सी और एच, सी और एच आपका ए हो जाएगा, सी और एच, और बी और जी, बी और जी आपका ए हो जाएगा। अब कहिए कि इसको अंदर बाहर करने का है कि ए दिखाई दे रहा है लेकिन एफ दिखाई नहीं दे रहा तो उसको अंदर कर दिए, डी दिखाई दे रहा ई नहीं दिखाई दे रहा था इसको ई को अंदर कर दो, क्लियर हमारा। उसी प्रकार सी दिखाई दे रहा है एच नहीं दिखा रहा तो सी को बाहर करो एच को अंदर करो, बी दिखाई दे रहा है जी नहीं दिखा रहा तो बी को बाहर करो जी को अंदर करो, यहां तक क्लियर, ए आपका कहीं दिक्कत नहीं। आप थोड़ा सा खाली टॉप भी ऊपर से देख लो और उसको इंक्लाइन कर दो, कितना डिग्री से 30 डिग्री से जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब कहता सेंट्रल प्लेन जो पास कर रहा है इसके सेंटर से, सेंटर निकालो, ये हमारा ओ हो गया। अब यहां से सीधे परपेंडिकुलर लाइन लाओ, यहां से सीधे ओ से परपेंडिकुलर लाइन लाओ, ये आपका हो जाएगा स्टेशन पॉइंट का टॉप व्यू, ये क्या हो जाएगा स्टेशन पॉइंट का टॉप व्यू, ये हमारा स्टेशन पॉइंट का टॉप व्यू हो गया। और यहां से सीधे परपेंडिकुलर इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर तो ये हमारा हो जाएगा स्टेशन पॉइंट का फ्रंट व्यू। सेंटर से रेक्टेंगल का ब्लॉक सेंटर से सामने परपेंडिकुलर और डाउनवर्ड जहां पे इस रेफरेंस लाइन को कट करेगा 5 सेंटीमीटर बिलो जो है उसका ये क्या हो जाएगा हमारा आपका टॉप व्यू, और उसके नीचे जाओगे तो क्या हो जाएगा फ्रंट व्यू किसका आपका स्टेशन पॉइंट का। अब हमको वैनिशिंग पॉइंट निकालना है तो वैनिशिंग पॉइंट इसमें दो होगा, देखिए इस लाइन के पैरेलल इस पॉइंट से, इस लाइन के पैरेलल इस पॉइंट से आप आगे बढ़ो, ये हमारा वी टू, और इस लाइन से इस पॉइंट के पैरेलल चलो ये हमारा हो जाएगा वी वन, ठीक है। दिस इज द टॉप व्यू ऑफ वैनिशिंग पॉइंट, ये हमारा क्या हो जाएगा टॉप व्यू ऑफ द वैनिशिंग पॉइंट, माने इस लाइन के पैरेलल इस पॉइंट से स्टेशन पॉइंट के टॉप व्यू से इंक्लाइंड चलेगा जहां पे इस पिक्चर प्लेन लाइन को कट करेगा वो क्या हो जाएगा वी टू, आपके ऊपर निर्भर करता है वी वन मानो वी टू मानो, वी टू इधर मानो वी वन इधर मानो, वी टू इधर मानो वी वन इधर मानो, ये तो आप पे निर्भर करता है। अब क्या करना है हर पॉइंट से, दिस इज द कॉल वैनिशिंग पॉइंट, और इसको परपेंडिकुलर नीचे चलोगे तो ये हमारा हो जाएगा वी टू डैंस, ये क्या हो जाएगा वी टू डैंस, यानी परस्पेक्ट वैनिशिंग पॉइंट का फ्रंट व्यू ये हो जाएगा हमारा वी वन डैंस हो जाएगा, क्लियर यहां तक। अब हमको क्या करना है इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाइए, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाइए, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाइए, क्लियर, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाइए, क्लियर, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाइए, क्लियर, इस पॉइंट से हम मिलाएं स्टेशन पॉइंट को, ए हमारा हो जाएगा ए वन एफ वन, ए हमारा डी वन ई वन, ए हमारा हो जाएगा बी वन जी वन, ए हमारा हो जाएगा बी वन, ए हमारा बी वन जी वन, ये हमारा सी, ए हो जाएगा सी वन और एच वन, क्लियर। अब हमको क्या करना है इस पॉइंट से डी और ई का, डी और ई से परपेंडिकुलर लाइन नीचे आएंगे ग्राउंड लाइन तक, कहां तक आएंगे ग्राउंड लाइन तक आएंगे, कहां तक पिक्चर प्लेन लाइन से ग्राउंड लाइन तक, और यहां पर से इस ग्राउंड लाइन से 1.5 सेंटीमीटर का ले हाइट मेजर कर लेंगे, कितना का 1.5 सेंटीमीटर का, ये हमारा देखिए डी और ई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा
ई डैश और 1.5 पर ये हमारा हो जाएगा डी डैश। ये कितना है 1.5 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना लेना है 1.5 सेंटीमीटर। दिस इज द हाइट। जब फ्रंट व्यू देखिएगा तो हाइट झलकेगा ना, फ्रंट व्यू देखिएगा रेक्टेंगल ब्लॉक का तो ये क्या झलकेगा, हाइट। तो हाइट सबसे पहले हम ले लिए D1, डी डैश और ई। अब डी से और ई से इसको मिलाइए, उसी प्रकार यहां से डी और यहां से इसको मिलाइए, क्लियर। अब हमको क्या करना है, इस पॉइंट से बी और सी को, तो बी और सी से नीचे आइए, बी और सी से नीचे आइए। ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो जाएगा, यानी बी ऊपर बी डैश और ये हमारा बी और यहां से नहीं, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, इस पॉइंट से नहीं लेना है, सीधे इस पॉइंट से सी और एच डैश से यहां से चलना, इसको तो हो गया हमारा नहीं करना, यहां से फ्रंट व्यू ड्रा करना, यहां से इस पॉइंट से आइए नीचे, ये हमारा क्या हो जाएगा सी डैश हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा एच डैश, इसको मिला दीजिए, क्लियर। अब यहां से ए और ई से, तो यहां से चलेंगे, यहां से नहीं, यहां से ए डैश और एफ वन डैश से चलेंगे, यहां से नीचे आ जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा ए डैश और ये हमारा क्या हो जाएगा एफ डैश, क्लियर, इसको मिला दीजिए, यहां तक क्लियर। अब क्या करना है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से आइए, ये हमारा अंदर की ओर ए और यहां से इसको मिलाइए, ये हमारा यहां से मिला लेंगे, ये हमारा इससे मिल जाएगा, क्लियर। और इस पॉइंट से आगे जाएगा तो यही यहां से मिलेगा, ये आप यहां से इसको मिला सकते हो। अब यहां से चलो एच और जी से सीधे नीचे आओ, तो एच यहां पे कट करेगा और जी यहां पे कट करेगा, ये हमारा हो जाएगा आपका बी वन और जी वन, ये हमारा बी डैश, ये हमारा जी डैश हो जाएगा, यहां से ये हमारा ए हो जाएगा, यहां से इसको मिला दो, ए मिल जाएगा और यहां से आप इसको मिला दो, ए आपका ब्लॉक का फॉर्मेशन, क्लियर, ए आपका ब्लॉक का फॉर्मेशन हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका ए हो गया, यहां से ये लाइन पे गया, ए हमारा ए क्लियर, ए क्लियर, ए क्लियर, ए और यहां से ए मिला, ए आपका यहां से ए मिला, यहां से ए मिला, ए आपका क्लियर रेक्टेंगल ब्लॉक बन गया। यही आपका उसमें बनाना है, यहां इसको आप हटा दो, आपका सीधे यहां से जोड़ दो, ये आपका ब्लॉक फाइनल। ऊपर वाला देखो, ये हमारा हो गया, यहां से ए बी और सी और डी, यहां से डी और ए हमारा ए, यहां से ये हो गया, यहां से ए ब्लॉक और ए ब्लॉक, ठीक है। ए आपका ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए हमारा डी डैश सी डैश, ये बी डैश, ये आपका कौन है बी डैश, इस पॉइंट से इसको मिला दो, यहां पर से यहां गया ना जहां पे कट गया तो उसी इसको मिला दो, और ये हमारा जी डैश इस रास्ते पर ना कटेगा तो जी यहां पर हो गया, इस लाइन पे जहां कट गया इस पे नहीं मिलाना है, इस पे मिलाना है, ये आपका फाइनल फ्रंट व्यू ड्रा हुआ। थोड़ा सा अब जो कहता हम बार बार बोलते हैं कि ये हमारा आपका फ्रंट व्यू ग्राउंड लाइन से ऊपर बनता है फ्रंट व्यू, और ग्राउंड पिक्चर प्लेन लाइन के ऊपर और नीचे क्या बनता है टॉप व्यू, तो टॉप व्यू पर बना आपका ब्लॉक का, नीचे बना स्टेशन पॉइंट का, उससे सामने आइए तो स्टेशन का ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फ्रंट व्यू ऑफ स्टेशन पॉइंट है, ये स्टेशन पॉइंट का टॉप व्यू, यही आपका फिगर। एकदम से थोड़ा सा ध्यान देना सबको, आप एरो जरूर दे दो जिससे कि आपको दिक्कत कहीं नहीं हो, एरो देना मत भूलना, ये हमारा इधर मिला, ये हमारा इधर मिला, ये आपका टारगेट, यहाँ से इसको ऐसे मिलाए, इसको ऐसे मिलाए, ये हमारा यहाँ से यहाँ गया ए ब्लॉक, ये यहाँ से ये आ गया आपका इधर इधर,
ये आपका सीधे फिगर बनता है, कहीं दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ये आप पूछता ही पूछता है, इसलिए आप लोग अच्छे से ध्यान से पूरा वीडियो अवश्य देखो। पूरा वीडियो जब तक नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे भी वीडियो आपका ड्राइंग का डलाएगा, थोड़ा डिले होगा लेकिन अवश्य डलाएगा। थैंक यू।